तेहरान में वांटेड नेतन्याहू के पोस्टर लगे हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि इससे वो दहशत में है। क्यों दावा किया जा रहा, इसको हमने आपको पैकेज में बताया। आगे बढ़ेंगे खबरों में। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु ताकत बढ़ाने का ऐसा ऐलान किया। न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से खबर है कि पुतिन ने रूस पर हवाई हमले करने वालों को परमाणु हथियारों से जवाब देने का ऐलान किया है। क्या कुछ ऐलान में कहा गया, आप रिपोर्ट में समझिए। जिसका डर था वही हो गया। पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही चेंज कर दी। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से पश्चिमी देशों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। पुतिन ने राजधानी मॉस्को में बुधवार को सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े नियम और शर्त बदलने का ऐलान किया। नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर रूस के खिलाफ मिसाइल या फिर ड्रोन हमले हुए तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर रूसी इलाके में बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन हमला होता है जिससे देश की संप्रभुता पर गंभीर खतरा हुआ तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर कोई गैर परमाणु संपन्न देश किसी परमाणु संपन्न देश के समर्थन से रूस पर हमला करता है तो इसे दोनों देशों की तरफ से किया गया हमला माना जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस के परमाणु हथियार देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। सुनिए पुतिन का वो ऐलान जिसने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया है। агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. आखिर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, उसे समझने के लिए कुछ दिन पहले रूस से आई इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। रूस के परमाणु तहखाने में पहुंचे पुतिन। क्या नया एटम बम फिट करेंगे पुतिन? तैयारी शुरू। आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि रूस से आई इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया खौफ से कांप रही है। ये तस्वीरें पुतिन के उस परमाणु तहखाने की है जिसमें दुनिया को भस्म करने वाला एटम बम रखा हुआ है। और अब देखिए पुतिन को उस बम के पास लेकर जाया जाता है जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। पुतिन के अधिकारी एक एक बात की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को दिखाने के बाद पुतिन को परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाया जाता है जिसकी तस्वीर दुनिया का कोई देश नहीं देखना चाहता है। जी हाँ, पुतिन को अधिकारी परमाणु तहखाने की वो जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर मशरूम क्लाउड दिखता है। किसी भी परमाणु हमले के बाद इसी तरह का मशरूम क्लाउड उठता है और फिर कुछ देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मशरूम क्लाउड देखने के बाद पुतिन बाहर निकलते हैं और एक रजिस्टर पर साइन कर देते हैं। आखिर पुतिन के साइन के क्या मायने है, पुतिन ने किस ऑर्डर पर साइन किया है? कुछ देशों ने इस वीडियो को देखने के बाद वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सभी को पता है कि पुतिन के परमाणु बम के निशान पर कौन है। पुतिन गुस्से से लाल हैं। पुतिन के निशाने पर सुपर पावर अमेरिका का पावर सेंटर यानी व्हाइट हाउस आ चुका है। पुतिन हर कीमत पर अब अमेरिका को घुटने पर लाना चाहते हैं। अपनी फौज के सामने पुतिन लगातार हुंकार भर रहे हैं और इस हुंकार की गूंज अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर नेटो के चप्पे चप्पे पर पहुंच चुकी है। पुतिन क्यों तिल मिलाए हुए हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वो तस्वीर जिसकी तैयारी पुतिन भी कर चुके हैं।
पुतिन के गुस्से का लेवल इस हद तक भर चुका है कि रूस ने मिसाइलें सेट कर दी हैं और इन मिसाइलों का ट्रिगर भी पुतिन के हाथ में पहुंच चुका है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का दिमाग रूस के आसपास ही घूमता है, वैसे ही पुतिन के निशाने पर 24 घंटे सिर्फ व्हाइट हाउस रहता है। पुतिन के दिमाग में सुपर पावर का पावर सेंटर व्हाइट हाउस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। उनके दिमाग में व्हाइट हाउस पर हमले की एक एक बारी कड़ी फिट हो चुकी है और अगर अब अमेरिका ने कोई भी चाल चली तो पुतिन को एटम बम का टिकर दबाने में देर नहीं लगेगी। पुतिन के इस एटम हमले के बाद व्हाइट हाउस ही नहीं दुनिया का क्या होगा, ये किसी को नहीं मालूम। अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो खतरा सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया पर है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए पुतिन के इस बयान को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पुतिन का यह बयान अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की दशा और दिशा तय कर सकता है। सुनिए पुतिन ने क्या कहा। Вероятный противник над этим работает. Новые элементы, связанные с понижением применения ядерного оружия, с понижением порога применения. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности. И мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что вот такие средства поражения можно было бы и применять, и ничего в этом особенно. Америка не кахаки. संयुक्त राज्य अमेरिका इन मिसाइलों की एपिसोडिक तैनाती करने की तैयारी में है, जिसमें SM-6 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार शामिल होंगे, जिनकी यूरोप में वर्तमान क्षमताओं की तुलना में लंबी दूरी की क्षमता होगी। पुतिन ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया तो इसके जवाब में रूस भी मीडियम रेंज की परमाणु मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि मिसाइलों के उत्पादन के साथ ही उनकी ऐसी जगहों पर तैनाती की जाएगी जहां से पश्चिम देशों पर दागी गई मिसाइलों का कोई भी निशाना चूकेगा नहीं। कहा जा रहा है कि जब जेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे तभी पुतिन ने यूक्रेन के सबसे खतरनाक मोर्चे पर 42 मिसाइलों से हमला कर दिया। जब जेलेंस्की ने नाटो से ऐसी गुहार लगाई है जिसे सुनकर बाइडेन ने कहा है कि वो बेहद ही मजबूर हैं। समझिए आप रिपोर्ट में। War can't be calmed by talks. Action is needed. पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की के सुपर 11 रूस को फोड़ेंगे 3 एटमी पावर। पुतिन पर होगा एक्शन, वर्ल्ड वॉर की टेंशन। यूक्रेन रूस से अकेले युद्ध में जूझ रहा है। 943 दिन से चल रहे युद्ध में अब तक यूक्रेन डटा हुआ है, लेकिन अकेले ये जंग अब यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ रही है। जेलेंस्की कभी भी पुतिन के आगे सरेंडर कर सकते हैं, ये बात प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने लाउड एंड क्लियर अंदाज में कह दी है, जिसके मायने हैं या तो पूरा यूक्रेन पुतिन के कब्जे में होगा या फिर पश्चिमी देश और सुपर पावर अमेरिका युद्ध में यूक्रेन के साथ शामिल हों। यूएन में पुतिन आर्मी को पीटने का प्लान बना है। जेलेंस्की पुतिन को हराने का रोड मैप प्रेसिडेंट जो बाइडेन से शेयर कर रहे हैं। उनके इस प्लान पर कई पश्चिमी देशों ने भरोसा भी जताया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जो चल रहा है उससे बढ़ के पुतिन ने यूक्रेन में कोहराम मचा दिया है। जब यूएन में जेलेंस्की पुतिन के खिलाफ मोस्ट पावरफुल गुट बनाने की अपील कर रहे थे, तब रूस की सेनाएं डोनेस्क और खारकीव को दहला रही थी। प्रचंड मिसाइल अटैक से डोनेस्क में आधी रात से शुरू हुआ हाहाकार बुधवार की सुबह तक चलता रहा। पुतिन आर्मी ने बैटल ग्राउंड में बढ़त बनानी फिर से शुरू कर दी है। यूक्रेन के वुलेदार में रूस का झंडा कई जगह लहराने लगा है। पश्चिमी डोनेस्क के ओबाल्ट में भी रूस यूक्रेन पर हावी हो चुका है। डोनेस्क में मार खा रहे जेलेंस्की के सोल्जर्स ने कुर्स्क में भीषण पलटवार शुरू किया है। यूक्रेन ने टोरेत्स्क और वोवचांस्क फ्रंट पर भी रूस को दहलाया है। बुधवार 25 सितंबर की सुबह
रूस ने यूक्रेन में S-300 से मिसाइल दागी है। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम S-300 से रूस ने खार्कीव और ओडेसा में धमाके किए हैं। पुतिन आर्मी ने ओडेसा में 4 X-59/69 गाइडेड एविएशन मिसाइलें भी दागी हैं। रूस के फाइटर ड्रोन स्ट्राइक को नाकाम करते हुए यूक्रेन ने 28 ड्रोन मार गिराए हैं। ज़ापोरिज़िया में रूस की गोलाबारी में यूक्रेन के एक नागरिक की मौत हो गई और 7 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ज़ापोरिज़िया अटैक के बाद की ये भयानक तस्वीरें हैं, जहां पूरी इमारत को रूस ने एयर स्ट्राइक में जमींदोज कर दिया। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अपनी लाचारगी बार बार बयां कर रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ हथियारों की मदद से वो पुतिन से पार नहीं पा सकते हैं। यूक्रेन के सभी हथियारों की काट रूस के पास है। हाल ही में युद्ध में यूक्रेन ने बड़ी संख्या में वैम्पायर ड्रोन को उतारा है, जिसकी मदद से रोबोट डॉग से हमले का प्लान भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना ने फ्रंट लाइन पर वैम्पायर ड्रोन की मदद से रोबोट डॉग्स को घातक बनाने का प्लान बनाया है, जिसमें वैम्पायर ड्रोन फ्रंट लाइन पर रोबोट डॉग स्क्वाड को सटीक हमला अंजाम देने में मदद पहुंचाने के मिशन में लगे हैं। रोबोट डॉग्स जमीन पर सीक्रेट ढंग से काम करने वाला घातक हथियार है। वैम्पायर ड्रोन मुश्किल इलाकों में आसानी से दुश्मन के ठिकाने की पड़ताल भी करता है। कैमरों और साइलेंट ऑपरेशन से लैस वैम्पायर ड्रोन रियल टाइम डेटा टेलीकास्ट करता है। हालांकि वैम्पायर ड्रोन से हमलावर रोबोट डॉग्स की डिलीवरी का फायदा भी यूक्रेन को नहीं मिल रहा है। युद्ध में ज़ेलेंस्की के हथियार कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। बैटल ग्राउंड में 2.5 साल से जंग लड़ रहे यूक्रेन के जवानों का हौसला भी जवाब देने लगा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने अब सुपर पावर से सीधे युद्ध में दखल देने की डिमांड की है। ज़ेलेंस्की ने जो विक्ट्री प्लान बनाया है, उसकी पहली और सबसे जरूरी शर्त रूस के खिलाफ सभी महाशक्तियों को युद्ध में उतरने की मजबूरी को समझाया गया है। पश्चिमी